हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज का जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो है अ काइंड ऑफ नो मेकअप मेकअप लुक विदाउट यूजिंग फाउंडेशन, एनी काइंड ऑफ बीबी क्रीम और सीसी क्रीम। मैंने यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अगर आप जानना चाहते हो मैंने ये मेकअप लुक कैसे अचीव किया है, सो इस वीडियो को पूरा देखें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बाजू में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सो आपको नोटिफिकेशन आए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे निविया का लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सीरम नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं कोई भी फाउंडेशन नहीं यूज़ करने वाली हूँ, तो मॉइस्चराइज़र थोड़ा थिक होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मैं आगे आपको बताऊँगी मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र क्यों यूज़ किया है। सो आपको अच्छे अमाउंट में लेके इसे अच्छी तरह से अपने फेस पर मसाज करते हुए अप्लाई करना है। आप अपने आई एरिया पे भी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र लगाएं। आप देख सकते हो सटल सा ग्लो आया है मेरे फेस पे आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र। सो मैं यहाँ पे अपने डार्क सर्कल हाइड करने के लिए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैंने मेबेलिन का कंसीलर यूज़ किया इन द शेड ऑफ 110 लाइट लेगर। मैं यहाँ पे नाउ सिर्फ कंसीलर ही यूज़ करूँगी अपने फुल फेस पे, आई मीन नॉट फुल फेस, बस जहाँ जहाँ पे आपको दाग धब्बे हैं या फिर ब्लैक वगैरह समथिंग स्पॉट्स है आप वहाँ पे इसे अप्लाई करें। उसके बाद मैं अपने फिंगर के हेल्प से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे फिंगर से इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि जब हम स्पंज यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी प्रोडक्ट सक कर लेता है तो हमको उतना अच्छा कवरेज नहीं मिल पाता है। सो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ, उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी। आई नो अभी मैं थोड़ी अजीब दिखूँगी आफ्टर ब्लेंडिंग विथ फिंगर। अगर आपको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक या दो डॉट में भी फुल कवर कर सकते हो, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है। सो आप देख सकते हो मैं कितनी अजीब लग रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए। सो यू कैन सी मैंने एक साइड के आइज़ को सेट कर लिया है तो ये कितना अच्छा दिख रहा है। फिंगर की जगह पे ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो बट आई गेस फिंगर ज़्यादा आराम से हो जाता है ब्लेंड करने में। सो आप देख सकते हो अब मैं थोड़ी ठीक ठाक दिख रही हूँ। इसके बाद मैंने फिटमी का कॉम्पैक्ट मेबेलिन का फिटमी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। अब मॉइस्चराइज़र मैंने क्यों यूज़ किया था, क्योंकि मॉइस्चराइज़र जो होता है वो थोड़ा थिक होता है तो हम पाउडर जो अप्लाई करेंगे वो हमारे फेस पे सेट हो जाएगा अच्छी तरह से, लाइक वो चिपक के रहेगा। सो आपको पहले क्या करना है, अपने आईज़ के नीचे क्रीज पड़ने के पहले ही आपको पाउडर अप्लाई करना है। आप चाहे तो कोई लूज़ टिंटेड पाउडर भी यूज़ कर सकते हो बट यस आपको टिंटेड पाउडर ही यूज़ करना है। आप चाहे कॉम्पैक्ट यूज़ करो या फिर लूज़ पाउडर यूज़ करो, आप घर में जो वाइट पाउडर होता है वो नहीं यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपका फेस वाइटिश दिखेगा पूरा क्योंकि हमने कोई भी फाउंडेशन वगैरह अप्लाई नहीं किया है इसके लिए। सो आपको इसे अच्छी तरह से बफिंग करते हुए अप्लाई करना है ब्रश से। आप देख सकते हो लग ही नहीं रहा है कि मैंने यहाँ पे फाउंडेशन नहीं यूज़ किया है। हाँ एंड अपने नेक एरिया पे भी पाउडर लगाना ना भूले। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज को सेट करने के लिए मस्कारा यूज़ कर रही हूँ।
मैंने मस्कारा मेबलिन का यूज़ किया है। यूजुअली जो मस्कारा ख़त्म होने आ रहे हैं वो मैं आईब्रोज़ के लिए यूज़ करने लगती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होते हैं तो वो आईब्रो सेट करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। वरना जो न्यू मस्कारा होता है उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट आता है तो आपका आईब्रो उतना अच्छा नहीं आएगा। सो अब हम आईज़ के ऊपर मस्कारा लगाएंगे। जो मस्कारा होता है वो टोटली गेम चेंजर होता है, आपके फुल लुक को चेंज कर देता है। आप आई शेडो लगाओ या मत लगाओ, जस्ट मस्कारा अप्लाई कर लो एंड या यू आर रेडी टू गो। आप चाहे तो लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा लुक रखा है, इसके लिए मैं सिर्फ मस्कारा ही अप्लाई कर रही हूँ। मैंने अपने लोअर लैशेस पे भी मस्कारा अप्लाई कर लिया है। आप चाहे तो कोई भी हल्का सा आई शेडो या फिर ब्राउन आई शेडो, जस्ट एक ब्राउन आई शेडो लगा के भी आप लुक कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो, बट मैं हाइलाइटर से काफ़ी ऑब्सेस्ड हूँ तो मैं हमेशा हाइलाइटर काफ़ी अमाउंट में यूज़ करती हूँ। बट आज मैं थोड़ा ही अमाउंट में अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये एक नो मेकअप मेकअप लुक जैसा कुछ है। मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रश लिया है, उसके हेल्प से अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ मैं हाइलाइटर। आपको आईब्रो बोन से लेके अपने आउटर वी तक अच्छे से हाइलाइटर लगाना है, ताकि एक वो आई शेडो वाला इफेक्ट भी आ जाए साथ में। मैंने अपने फोरहेड पे भी लगा लिया है, उसके बाद मैं अपने नोज़ एंड चिन पे भी लगाऊंगी। सो नाउ आई एम यूजिंग ईयर ब्यूटी ब्लेंडर, बिकॉज जो एक्सेस चंकी पार्टिकल्स रह गए होंगे हाइलाइटर के एंड ज़्यादा हाइलाइटर का ही लग गया होगा तो वो इवन हो जाएगा। मैंने जस्ट डैप करके एक्सेस रिमूव कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पिंकिश रेड कलर का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो न्यूट कलर कोई भी यूज़ कर सकते हो। लाइनर लगाने के बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का इनोसेंस न्यूट कलर यूज़ करूँगी। शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही लिपस्टिक यूज़ किया है एक्सेस में, अपना फिंगर यूज़ करके इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। ताकि एक नेचुरल सा इफ़ेक्ट दिखे। सो ये है फाइनल लुक। मैंने 3 से 4 प्रोडक्ट यूज़ करके ये पूरा लुक अचीव किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ये मेकअप लुक रिक्रिएट करते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे टैग करना ना भूले। मैं सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, आप मेरे को वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। Bye.